तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंडेक्स नंबर। ये बहुत इजी टॉपिक है और इस टॉपिक में से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वो क्वेश्चन क्या होंगे वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसको आराम से चैप्टर को समझ लीजिए, इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस रिविजन में कराने वाला हूँ। इंडेक्स नंबर की बात करें दोस्तों, तो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है भाई? एक नंबर जो कि क्या करे, रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करे। सबसे पहले ये जो वर्ड रिलेटिव चेंज है आप इसका मतलब समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं चेंजेस की, तो बेटा जी चेंजेस होते हैं 2 तरीके के। आप कहेंगे सर चेंजेस 2 तरीके के होते हैं? हाँ जी सर, 2 तरीके के चेंजेस होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट चेंज और एक होता है रिलेटिव चेंज। अगर याद हो आपको डिस्पर्जन के बारे में, तो डिस्पर्जन भी 2 तरीके का होता है, एक तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और एक होता है रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में हम जो डिस्पर्जन बताते हैं, जो डेविएशन बताते हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू यूनिट बताते हैं, जबकि रिलेटिव डिस्पर्जन के अंदर हम उसके कोफिशियंट की बात करते हैं, उसके परसेंटेज की बात करते हैं। बिल्कुल सेम वे में हम अगर चेंजेस डिफाइन करना चाहते हैं, भाई चेंजेस 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट चेंज के रिस्पेक्ट में या फिर रिलेटिव चेंज के रिस्पेक्ट में। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे, मैंने कहा प्याज 2 रुपए महंगी हो गई, 2 रुपए महंगी हो गई, इसका मतलब मैं एब्सोल्यूट चेंज की बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं एब्सोल्यूट चेंज की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कहा प्याज के दाम में 10% का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 10%, कोई यूनिट बात नहीं करी, कितने रुपए का हुआ ये नहीं पता, 10% का इंक्रीमेंट हो गया। माने अगर पहले 100 रुपए किलो थी अब 110 रुपए किलो है, अगर 50 रुपए किलो थी अब 55 रुपए किलो, 55 रुपीज पर किलोग्राम है, पहले 30 रुपए किलो थी अब 33 रुपीज पर किलोग्राम है। माने जो भी बेस प्राइस है उसका 10% इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई? तो एक नंबर जो कि क्या करे, कौन से चेंजेस को डिफाइन करे, रिलेटिव चेंजेस को। अ नंबर विच डिफाइन द रिलेटिव चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, माने समय दर समय। जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमसे क्या कहते हैं, बेटा हमारे जमाने में तो बात ही कुछ और होती थी, हमारे जेब में अगर 10 रुपए पड़े होते थे तो हमसे बड़ा बादशाह आदमी कोई होता ही नहीं था। माने वो अपने जमाने से आज के जमाने को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो चेंजेस बताएंगे, महंगाई 10 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, 100 गुना हो गई। गुने का मतलब परसेंटेज वाइज, 10 गुने का मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की मिलती थी तो आज वो 1000 रुपए की मिलती है। माने परसेंटेज वाइज चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो एक नंबर जो कि क्या करे, रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस का मतलब, जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, यहां चीजें बहुत महंगी है, यहां चीजें बहुत महंगी है। अगर आप कंट्रीज, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाए तो आप क्या कहते हो, सर वहां तो बहुत ही ज्यादा महंगाई है। माने प्लेस टू प्लेस भी कंपैरिजन पॉसिबल है, लेकिन कौन सा कंपैरिजन करना है, हमें रिलेटिव कंपैरिजन करना है, रिलेटिव चेंज की बात करनी है। तो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी दोस्तों, अ नंबर विच डिफाइंस रिलेटिव चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट नंबर इज नोन एज अ इंडेक्स नंबर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंडेक्स नंबर की कभी कोई यूनिट आएगी, नहीं, क्योंकि ये किसको डिफाइन कर रहा है, रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर रहा है। एब्सोल्यूट चेंज को डिफाइन करता तो यूनिट होती, रिलेटिव चेंज को डिफाइन कर रहा है तो इंडेक्स नंबर की कभी कोई यूनिट नहीं होगी। इट हैज नो यूनिट, इट इज ऑलवेज अ प्योर नंबर। प्योर नंबर का मतलब जिसकी कोई यूनिट ना हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, जब कभी भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने जाएंगे दोस्तों, तो हमें किसी ना किसी को तो बेस मानना ही पड़ेगा भाई, कंपैरिजन करना है ना, चेंजेस बताने हैं ना, तो बेस से करंट के, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को तो चेंज बोलेंगे। माने किसी ना किसी को तो बेस आपको मानना ही पड़ेगा।
आप जिस किसी को बेस मानोगे वो आपके लिए स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन का काम करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं आपका फेवरेट एक्टर कौन है, ठीक है ना, आपने जवाब दिया सर ऋतिक रोशन, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने कहा मेरा फेवरेट एक्टर है राजपाल यादव। अब आप तो कंपैरिजन करेंगे ऋतिक रोशन से राजपाल यादव का, और मैं कंपैरिजन करूंगा राजपाल यादव का ऋतिक रोशन से। दोनों बातों में फर्क है, मेरे लिए स्टैंडर्ड है राजपाल यादव, आपके लिए स्टैंडर्ड है ऋतिक रोशन, दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। माने आप चेंजेस किसके बिहाफ पे बता रहे हो ये मैटर करता है। तो जब कभी भी आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको किसी ना किसी पीरियड को या किसी ना किसी प्लेस को क्या करना पड़ेगा, एक बेस मानना पड़ेगा, और जिस किसी को आप बेस मानेंगे वो आपके लिए स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन का काम करेगा। बात समझ में आ गई, माने हर चीज आप उसी से कंपेयर करना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं, लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर, अ नंबर विच डिफाइंस रिलेटिव चेंजेस, कौन से चेंजेस, रिलेटिव चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट नंबर इज नोन एज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर समझ में आ गया क्या होगा? अच्छा, इंडेक्स नंबर की कभी कोई यूनिट नहीं होगी, ये हमेशा किसकी फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ 100, इन रेस्पेक्ट ऑफ 100, अगर 100 से आगे जाएगा तो इंक्रीमेंट, 100 से नीचे आएगा तो डिक्रीमेंट। बात समझ में आ गई, माने हम 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर आप इनटू 100 नहीं लगाएंगे तो इन कंपैरिजन ऑफ 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर वन ऑफ द पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज बेस्ट, बेस पीरियड। बिल्कुल सही बात, ये बता हमने आपसे कर ली कि जब कभी भी हम कंपैरिजन करने की बात करेंगे, चेंजेस को डिफाइन करने की बात करेंगे, चाहे वो एब्सोल्यूट चेंज हो चाहे वो रिलेटिव चेंज हो, हमें किसी ना किसी को तो बेस मानना ही पड़ेगा। और जिस किसी को हम बेस मानेंगे, चाहे वो पीरियड के रेस्पेक्ट में बेस पीरियड हो गया या फिर बेस प्लेस हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, हर चीज उसी से कंपेयर की जाएगी। लिखा हुआ है बेस पीरियड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, बेस पीरियड को हमेशा क्या माना जाएगा, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन माना जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, इंडेक्स नंबर का मतलब अ नंबर विच डिफाइंस रिलेटिव चेंजेस, नॉट एब्सोल्यूट चेंजेस, रिलेटिव चेंजेस। अब लिखा हुआ है प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब हम यहां पे चेंजेस डिफाइन कर रहे हैं, कौन से चेंजेस, रिलेटिव चेंजेस, किसमें, प्राइस में, किसमें, प्राइस में, मतलब हम यहां पे डिफाइन करना चाहते हैं प्राइस के रिलेटिव चेंजेस, किसके रिलेटिव चेंजेस, प्राइस के रिलेटिव चेंजेस। अब जैसे हमने बोला P01, बहुत ध्यान से समझिएगा P01, ये वन लिखा हुआ है, तो यहां पे जीरो का मतलब है बेटा बेस पीरियड से, और यहां वन का मतलब है करंट पीरियड से, जीरो का मतलब है बेस पीरियड से, वन का मतलब है करंट पीरियड से, मतलब पी का मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर, माने द रिलेटिव चेंजेस इन प्राइस। बात समझ में आ गई ना, प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ, द रिलेटिव चेंजेस इन प्राइस। अब किसके रिलेटिव चेंजेस, ऑफ करंट पीरियड, ऑफ करंट पीरियड विद रेस्पेक्ट टू बेस पीरियड, माने हम करंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बेस, माने आज में कितने चेंजेस आए बेस के बिहाफ पे, आज में कितने चेंजेस आए किसके बिहाफ पे, बेस के बिहाफ पे, माने यहां पे वन डिफाइन होगा ऑन बिहाफ ऑफ जीरो, हियर वन इज डिफाइन ऑन बिहाफ ऑफ जीरो, तो जिसके बिहाफ पे डिफाइन होता है वो हमेशा अपॉन में आता है। तो यहां P01 क्या होगा, P1 अपॉन P0 इनटू 100%, इनटू 100 क्यों लगाया, क्योंकि इन कंपैरिजन ऑफ 100 की बात करेंगे। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं यहां पे P10 को हूं, देखिए ये P01 का मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट पीरियड विद रेस्पेक्ट टू बेस पीरियड, यहां पे P01 का मतलब हुआ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट पीरियड विद रेस्पेक्ट टू बेस पीरियड, माने यहां वन इज डिफाइंड ऑन बिहाफ ऑफ वन,
वन इज डिफाइंड ऑन बिहाफ ऑफ जीरो, तो हम इसे बोलेंगे दोस्तों वन ऑन जीरो, वन ऑन जीरो। बात समझ में आ गई? इसे हम क्या बोलेंगे, वन ऑन जीरो, माने प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करेंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द बेस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ वन ऑन जीरो। हेयर वन इज डिनोटेड एज करेंट पीरियड एंड जीरो इज डिनोटेड एज बेस पीरियड, दैट इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो टू हंड्रेड। पी वन का मतलब प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, पी जीरो का मतलब प्राइस ऑफ द बेस ईयर, इन टू हंड्रेड का मतलब रिलेटिव कंपेरिजन है। बात समझ में आ गई या नहीं है? अच्छा, बिल्कुल सेम वे में अगर मैं यहां पे P10 की जगह P10 की बात करूं तो क्या होगा, जहां पे 1 है वहां 0, जहां 0 वहां 1 लगा देंगे, माने क्या हो जाएगा P0 अपॉन P1, P0 अपॉन P1 into 100%। अब यहां पे क्या होगा, यहां 0 इज डिफाइंड ऑन बिहाफ ऑफ 1, यहां हम बेस को डिफाइन कर रहे हैं किसके बिहाफ पे, करंट के बिहाफ पे, जैसे हमारे पापा करते थे, मेरे पापा करते थे क्या बेटा, हमारे जमाने में तो ये होता था, मतलब वो अपने पीरियड को डिफाइन कर रहे हैं आज के बिहाफ पे। नहीं आई बात समझ? हम क्या करते हैं, हम आज को डिफाइन करते हैं प्रीवियस के बिहाफ पे। दोनों बातों में फर्क है क्योंकि डिपेंडेंसी चेंज हो जाएगी। यहां पे वन इज डिफाइंड ऑन बिहाफ ऑफ जीरो, यहां जीरो इज डिफाइंड ऑन बिहाफ ऑफ वन। क्लियर हो गई बात? ये हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द बेस पीरियड इज द रेशियो, भाई यूनिट तो है नहीं तो हम यहां रेशियो भी बोल सकते हैं, इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ द करंट पीरियड टू द प्राइस ऑफ द बेस पीरियड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। इन 200 का मतलब एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं आपसे बात करूं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की, तो Q01 क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड, माने यहां पे भी वन इज डिफाइंड ऑन बिहाफ ऑफ जीरो हो गया, दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q0 इनटू 100%। व्हाट इज Q1? Q1 मींस क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस पीरियड, ठीक है ना, वो सॉरी क्वांटिटी कंज्यूम इन करंट पीरियड, और व्हाट इज Q0? क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस पीरियड। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम वे में वैल्यू इंडेक्स नंबर V01 क्या होगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ करंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू बेस पीरियड, माने यहां पे भी आप 1 को डिफाइन कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ 0, दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V0 इनटू 100। V1 मींस वैल्यू ऑफ द करंट पीरियड, V0 मींस वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड। अब वैल्यू ऑफ द करंट पीरियड क्या होगी भाई, वैल्यू बराबर हमेशा क्या होता है बेटा जी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। वैल्यू बराबर हमेशा क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर मैं V1 की बात करूंगा तो क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, माने P1 इंटू Q1, प्राइस ऑफ द करंट पीरियड इंटू क्वांटिटी ऑफ द करंट पीरियड। जब करंट पीरियड में चल रहे हैं तो प्राइस भी करंट पीरियड की लेंगे और क्वांटिटी भी करंट पीरियड की लेंगे। व्हाट इज V0? प्राइस ऑफ द बेस पीरियड इंटू क्वांटिटी ऑफ द बेस पीरियड, माने सबमिशन P0 Q0। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं P10 तो क्या हो जाएगा, P0 अपॉन P1 इंटू 100%। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आपसे Q10 कहूं तो क्या होगा, Q0 अपॉन Q1 इंटू 100%। बात समझ में आ गई? माने जहां कहीं भी अगर हम चेंज करते हैं बेस को करंट पे, करंट को बेस पे लेके आते हैं तो रेस्पेक्ट भी चेंज कर देंगे। माने अगर P01 कहेगा तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, और P10 कहेगा तो जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0 लगा देंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन दे रखी है, क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर व्हेन, यहां मैंने स्पेस छोड़ दिया डैश एज बेस ईयर, मैं यहां लिख लेता हूं व्हेन 1997 टेकिंग एज बेस ईयर, 1997 माने यहां 1997 को मुझे बेस ईयर मानना है, 1997 को, मतलब ये हमारे लिए किसका काम करेगा, P0 का काम करेगा, बाकी सब किसका काम करेंगे, P1 का काम करेंगे, ये हमारे लिए किसका काम करेगा, प्राइस ऑफ द बेस पीरियड काम करेगा, बाकी सब क्या करेंगे हमारे लिए, प्राइस ऑफ द करंट पीरियड काम करेंगे। अब प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, P1, माने ये हमारे लिए P1 है और ये हमारे लिए P0 है, तो 50 अपॉन 52 इंटू 100। अगला वाला 56 अपॉन 52 इंटू 100, अगला वाला 48 अपॉन 52 इंटू 100,
अगला वाला 52 अपॉन 52 इंटू 100, इसका मतलब जो भी आपका बेस पीरियड है उसका प्राइस इंडेक्स नंबर हमेशा क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि 52 अपॉन 52 इंटू 100 करेंगे तभी 100 आएगा। मतलब जिस किसी को आपने बेस माना है उसका प्राइस इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होगा, 100 ही होगा। अच्छा, अब जरा 50 अपॉन 52 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो जरा कैलकुलेशन करिए, 50 डिवाइड बाय 52 मतलब ये आ गया 96.15%। इसका मतलब इन द ईयर 1994 एज कंपेयर टू किसको बेस माना आपने, 1997 को, तो इन द ईयर 1994 एज कंपेयर टू 1997 द प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 3.85%। अब देखिए आपने क्या करा, रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन किया, आपने कहा जो भी प्राइस रही होगी उसका 3.85% क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। देख लीजिए 50 से 52 माने यहां पे वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हुई, 2 रुपए। अगर मैं कहूं 2 रुपए डिक्रीज हुई तो वो हुआ एब्सोल्यूट चेंज, अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊंगा तो वो हो गया इंडेक्स नंबर। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 56 अपॉन 52 इंटू 100 यह आ गया 107.69। इसका मतलब इन द ईयर 1995 एज कंपेयर टू 1997 द प्राइस वॉज इंक्रीज्ड बाय 7.69%। बात समझ में आ गई नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे, फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो यहां बेस पीरियड कुछ भी रख सकता हूं, माने ये क्वेश्चन में कोई भी बेस पीरियड आपको दे सकता है। अगर बाय चांस की बात इसने कोई बेस पीरियड आपको नहीं दिया, आपसे मना कर दिया, सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर बताओ, फाइन प्राइस इंडेक्स नंबर, कुछ नहीं बताया किसको बेस माना, अब क्या करेंगे भाई, जैसे आपके लिए, आपके लिए कौन सा ईयर बेस ईयर है भाई, जिस साल आप पैदा हुए, आपका बर्थ ईयर, उससे पहले की बात करते तो आप क्या कहते हो, सर मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, सर मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे क्या पता, ठीक है ना। तो अगर डेटा में कुछ गिवन नहीं है तो जो डेटा का फर्स्ट ईयर है वो हमेशा बेस ईयर का काम करेगा, और गिवन है तो हम गिवन के हिसाब से करेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं। अब अगर मैं कुछ नहीं पूछूं, आपसे सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर पूछूं, तो यहां पे ऑटोमेटिकली 1994 जो होगा वो बेस पीरियड का काम करेगा, मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, P0, और बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे लिए P1। अब करंट की बात करेंगे तो अगर इसकी बात करें तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 50 अपॉन 50 इंटू 100, माने 100% आना भी चाहिए क्योंकि ये बेस पीरियड है। अगले वाले में 56 अपॉन 50 इंटू 100 मतलब कितना आएगा, 112। अगले वाले में 48 अपॉन 50 इंटू 100 कितना आएगा, 96। ऐसे ये चलता चला जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई, क्लियर हो गई बात। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे हर जगह बेस पीरियड क्या है, फिक्स है। यहां पे हर जगह बेस पीरियड क्या है, फिक्स है। कभी कभी ऐसा केस भी आता है जहां पे बेस पीरियड फिक्स नहीं होता, मूवेबल होता है। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा केस है, बिल्कुल है, कौन सा केस है सर, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के लिए हमेशा प्रीवियस पीरियड बेस पीरियड का काम करता है। कल के मुकाबले में आज एक्सचेंज 300 पॉइंट इंक्रीज करा, कल के मुकाबले में आज एक्सचेंज 200 पॉइंट डिक्रीज करा। वो जो पॉइंट्स वाइज बात कर रहे हैं इसका मतलब वो एब्सोल्यूट चेंज बता रहे हैं, अगर वो परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो वो एक रिलेटिव चेंज को डिफाइन करेंगे, माने इंडेक्स नंबर शो करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो इंडेक्स नंबर हो सकता है, इंडेक्स नंबर के अंदर बेस हो सकता है फिक्स हो और हो सकता है मूवेबल हो। अगर बेस फिक्स है तो वर्ड यूज करेंगे इंडेक्स नंबर, लेकिन अगर बेस मूवेबल है माने प्रीवियस पीरियड हमेशा बेस पीरियड का काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करने के लिए हम वर्ड इंडेक्स नंबर ना यूज करके हम वर्ड यूज करते हैं लिंक रिलेटिव। क्या यूज करते हैं, लिंक रिलेटिव। लिंक का मतलब प्रीवियस वाले से लिंक है। बात
बात समझ में आ गई। आइए सीधे सीधे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है फाइंड द लिंक रिलेटिव ऑफ द फॉलोइंग टाइम सीरीज। लिंक रिलेटिव का मतलब इसमें बेस कभी भी फिक्स नहीं होगा, हमेशा प्रीवियस पीरियड ही बेस पीरियड का काम करेगा। अब जैसे पहले वाले में आ जाए तो इसके लिए तो यही करंट और यही प्रीवियस, क्योंकि इससे पहले वाले का तो हमें पता ही नहीं, तो 50/50 × 100 ये आ गया 100। अगले वाले में आ जाइए, इसके लिए करंट पीरियड का प्राइस कितना हो गया 56 और बेस पीरियड का प्राइस क्या होगा, इससे पहले वाला पीरियड प्रीवियस पीरियड क्या होगा, अपॉन 50 × 100 कितना आ गया 112। अगले वाले में जाइए, करंट पीरियड का प्राइस कितना हुआ 48, कितना हुआ 48 और प्रीवियस पीरियड का प्राइस कितना हुआ 56 × 100%, ये जो भी वैल्यू निकल के आए। अगले वाले में जाइए, करंट पीरियड का प्राइस कितना हुआ 52, बेस पीरियड का प्राइस कितना हुआ इसका 48 × 100%। जरा ध्यान दीजिए, यहां पे बराबर बेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां वर्ड इंडेक्स नंबर यूज ना करके हम वर्ड यूज करते हैं लिंक रिलेटिव। अब कहीं वर्ड इंडेक्स नंबर आता है, अच्छा इसका मतलब बेस पीरियड फिक्स होगा, और कहीं वर्ड लिंक रिलेटिव आता है, अच्छा इसका मतलब प्रीवियस पीरियड ही बेस पीरियड का काम करेगा, हर बार बेस पीरियड क्या होगा, मूव होगा, चेंज होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस ईयर, फर्स्ट इज फिक्स्ड, सेकेंड इज मूवेबल। अगर फिक्स होगा तो वर्ड यूज करेंगे इंडेक्स नंबर, मूवेबल होगा तो वर्ड यूज करेंगे लिंक रिलेटिव, ठीक है ना। यहां लिखा हुआ है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100 और 100%। भाई सीधी सीधी बात है, जिस किसी को आप बेस मानेंगे उसका प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर 100 से ज्यादा बढ़ा तो इंक्रीमेंट, 100 से घट गया तो डिक्रीमेंट, 100 ही रहा तो नो चेंजेस। बात समझ में आ गई सर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर बेसिकली दो टाइप का होता है बेटा जी, एक तो होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक होता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं, वो इंडेक्स नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कमोडिटी के लिए यूज किया जाएगा, एक ही टाइप के चेंजेस को डिफाइन करेगा, उसे बोलेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर। और कंपोजिट इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर जो एक से ज्यादा कमोडिटी के लिए यूज किया जाता है, माने एक साथ कई सारी कमोडिटी को लेकर रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन किया जाता है, उसे बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर। ज्यादातर इंडेक्स नंबर आपके हिसाब से कैसे होने चाहिए, सिंपल या कंपोजिट? भाई आप क्या करते हो, कभी भी सिंगल कमोडिटी की बात नहीं करते, हमेशा एक से ज्यादा कमोडिटी एक साथ लेके चलते हो। जैसे आप अपने बारे में बात कर लो, आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में जो भी कैलकुलेशन होती है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के बिहाफ पे होती है, माने सभी बच्चों को एक साथ लेके होती है। किसी एक स्टैंडर्ड के, किसी एक टाइप की कमोडिटी की चेंजेस हम नहीं बताना चाहते। हाँ अगर आप बता रहे हैं तो वो एक सिंपल इंडेक्स नंबर है। एक से ज्यादा कमोडिटी का यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। और ज्यादातर इंडेक्स नंबर कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे बाय नेचर। ज्यादातर इंडेक्स नंबर कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे बाय नेचर। जरा देखिए लिखा हुआ है an index number which is calculated only for one community or commodity is known as simple index number. Composite index number, an index number which is calculated for more than one community or commodity is known as composite index number. और last में लिखा हुआ है most of the index number are composite in nature. ज्यादातर index number कैसे होते हैं, composite होते हैं। Simple index number बहुत कम calculate किए जाते हैं, माने single commodity के लिए calculation बहुत कम की जाती है, हमेशा एक से ज्यादा commodity की calculation करते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा है इफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बी इंक्रीज बाय 70% ऑफ इटसेल्फ। इंक्रीज क्या लिखा है, बाय का मतलब इतना और ऐड हो गया, माने पहले इंडेक्स नंबर बेस पीरियड का कितना होगा 100 और अब कितना हो जाएगा 70% इंक्रीज कर गया, तो करंट पीरियड का इंडेक्स नंबर कितना होना चाहिए 170। भाई बेस पीरियड का इंडेक्स नंबर तो 100 आना ही आना है, और ये कह रहा है प्राइस जो है वो 70% इंक्रीज हो गया, तो करंट पीरियड का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए 170। तो वो कह रहा है देन पीआई ऑफ दैट कमोडिटी इन करंट सिचुएशन इज 170। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बी इंक्रीजेस, अगेन लिखा है क्या, बाय, माने इतना एड और करना है।
3.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, माने प्राइस इंडेक्स नंबर बेस पीरियड का कितना था, बेस पीरियड का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होता है, हमेशा 100, कितना होता है, हमेशा 100 होता है, ऑलवेज 100 रहेगा। अब 100 का 3.5 गुना कितना हुआ, 350, 100 का 3.5 गुना माने 350%, इतना और इंक्रीज कर गया। तो अब करंट पीरियड का इंडेक्स नंबर कितना होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा, 100 में क्या होंगे, 350 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 450। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी बी इंक्रीज टू, जरा ध्यान दीजिए लिखा हुआ है टू, टू का मतलब यहां से यहां तक आ गया, इंक्रीमेंट नहीं है, यहां से यहां तक आ गया, माने अगर मैं बात करूंगा बेस पीरियड की, तो बेस पीरियड का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा, 100, ये तो फिक्स है बात, ठीक है ना। और इस सिचुएशन में करंट पीरियड का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा, करंट पीरियड का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा, 100 से 2.5 हो गया, माने इसका 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, माने 100 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 250। तो अगर मैं कहूंगा इंक्रीमेंट कितना आया, सर 150% का इंक्रीमेंट कितना आया, 150% का, तो वो कह रहा है देन पीआई ऑफ दैट कॉमोडिटी, पीआई कितना होगा, 250। बिल्कुल सेम वे में नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर, पीआई का मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी गोज फ्रॉम 230 इन ईयर 2007 एज बेस 2000, माने अब आपको क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लेना चाहिए। यहां पे लिखेंगे आप ईयर, अब आपके पास है एक ईयर 2000 और एक ईयर है 2007, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या कह रहा है, इफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी गोज फ्रॉम 100 टू 230, माने 100 से 230 हो गया, इन ईयर 2007 एज बेस 2000 एंड द प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी, माने इस कॉमोडिटी की प्राइस इन ईयर 2000 कितनी है, 48 रुपए प्राइस, देखिए यूनिट दे रखा है विच इज इन रुपीज, कितना रखा है, रुपीज 48। तो वो पूछ रहा है देन प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी इन 2007 कितनी होगी, माने देखा जाए यहां पे 100% जो है वो किसके बराबर है, 48 के बराबर है, 100% वैल्यू की वैल्यू कितनी है, 48 है, तो 230% की वैल्यू कितनी होगी, तो 230% की वैल्यू कितनी होगी, हम सीधे सीधे 48 का 230% निकाल लेंगे, 48 इंटू 2.3 कितनी आ गई, 110 रुपए 40 पैसे, बात समझ में आ गई, तो आंसर कितना आ गया, 110 रुपए 40 पैसे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अगर ये पूछता कितने चेंजेस आए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो हो जाता एब्सोल्यूट चेंज, क्या हो जाता, एब्सोल्यूट चेंज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ पीआई ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी गोज फ्रॉम 120 टू 450, माने प्राइस इंडेक्स नंबर 120 से 450 हो गया, इन द ईयर 2015 एज बेस 2005, माने बेस ईयर क्या है, यहां पे 2005 है, ईयर लिख लिया 2005 लिख लिया, 2015 लिख लिया, प्राइस इंडेक्स नंबर इसका तो 100 हो गया और इसका कितना हो गया, क्या लिखा हुआ है, 2000 लिखा नहीं, ये गलत है क्वेश्चन, फिर यहां 100 होगा बेटा, यहां हो जाएगा 450। अब जरा देखिए क्या है रहा है, व्हाइल द प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी इन ईयर 2005 इज रुपीज 60, माने प्राइस किसके बराबर रखा है आपको, रुपीज 60, माने 100% की वैल्यू रुपीज 60, तो 450% की वैल्यू कितनी होगी, 6×24 और 30, 270 रुपए, 270 रुपए। वो कह रहा है देन द प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी इन ईयर 2015 कितना होगा, 270 रुपए, बात समझ में आ गई या नहीं है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो कह रहा है इफ द कॉस्ट CLI माने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज फ्रॉम 110 टू 300 इन द ईयर 2020, यहां पे एस बेस नहीं आएगा,
इन द ईयर 2020 एस 2010, एस 2010 आएगा, 2010 बेस नहीं है यहां पे, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, यहां लिखेंगे ईयर 2010 और 2020, यहां लिखेंगे पीआई, ये कितना हो गया 110% से 300% हो गया, 110% से 300% हो गया. While the salary of a person increases from rupees 33,000 to rupees 70,000, माने सैलरी, सैलरी विच इज इन रुपीस, ये कितनी है 33,000 और ये कितनी है रुपीस 70,000, तो ये कह रहा है देन द कंपनसेशन शुड एम्प्लॉय डिमांड. बताइए एम्प्लॉय कितने कंपनसेशन की डिमांड करेगा. अब जरा देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, यहां पे 100% किसके बराबर है, 33,000 के बराबर है, 110%, 100% नहीं, 110% किसके बराबर है, 33,000 के बराबर है. तो सबसे पहले 300% की वैल्यू आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए भाई, 110% है बराबर किसके, 33,000 रुपए के, ठीक है ना. तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 33,000 डिवाइडेड बाय 110, तो 300% की वैल्यू कितनी होगी, 33,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 300, ये कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, ये तीन जा कट गया, 300, ये आ गई 90,000. माने मिलने चाहिए तो उसे कायदे में कितने, 90,000, और मिल कितने रहे हैं, 70,000. वो कहेगा भाई मेरा तो नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हुआ, 20,000 रुपए का लॉस हुआ, 20,000 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ. बात समझ में आ गई या नहीं है, ये इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन है. अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर गोज फ्रॉम 125 टू 475, माने प्राइस इंडेक्स नंबर जो है, प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो 125 से 475 क्या परसेंट पहुंच गया. व्हाइल द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी गोज फ्रॉम रुपीज 75 टू रुपीज 250, माने प्राइस जो है कॉमोडिटी का वो रुपीज 75 से रुपीज 250 हो गया. तो ये कह रहा है देन व्हाट लॉस शुड कॉमोडिटी गेट, तो कॉमोडिटी को कितना नुकसान हुआ, तो भाई 125%, 125% किसके बराबर है, रुपीज 75 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, रुपीज 75 डिवाइडेड बाय 125, और 475% की वैल्यू कितनी होगी, रुपीज 75 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 475. जरा वैल्यू कैलकुलेट करिएगा जरा फटाफट से, तो 75 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 125 आ गई सर रुपीज 285, माने वैल्यू होनी चाहिए थी रुपीज 285, और मिल कितने रहे हैं 250, तो कितने का लॉस हुआ, 35 रुपए का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 35 रुपए का लॉस हुआ, क्या हुआ, 35 रुपए का लॉस हुआ, लॉस. बात समझ में आ गई दोस्तों, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन इंडेक्स नंबर में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी आपको फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों. अब इसके बाद हम बात करते हैं इश्यूज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, माने इंडेक्स नंबर जब भी कभी आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या क्या इश्यू आपको फेस करने पड़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी. पहली प्रॉब्लम जो सभी के सामने आती है, सिलेक्शन ऑफ द डेटा, भाई कौन सा डेटा सेलेक्ट किया जाए, कौन सा डेटा ना सेलेक्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पर्पस से रिलेट कर रहा होगा, जिस पर्पस से हम इंडेक्स नंबर निकालने जा रहे हैं उस पर्पस से रिलेटेड डेटा को सेलेक्ट करेंगे, बाकी डेटा को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सारा डेटा लेना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, छोटी छोटी सी बातों को, हर चीज को लेंगे तो पता चला फिर तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है ना. तो दैट डेटा विल ऑलवेज बी सिलेक्टेड विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर.
हमेशा उस डेटा को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि इंडेक्स नंबर के पर्पस से रिलेट कर रहा होगा, बाकी डेटा को इग्नोर कर दिया जाएगा। दूसरा जो इश्यू आता है वो आता है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। ये कहता है भैया बताओ किस ईयर को बेस ईयर मानना चाहिए। अब मैं आप ही से पूछूं, रिलेटिव चेंजेस डिफाइन करने महंगाई के, किस ईयर को बेस ईयर मानूं? अब आप खुद कंफ्यूज रहेंगे भाई कौन सी ईयर को बेस ईयर मानना चाहिए। बेस ईयर कोई भी मान लो आप, सब चलेगा, लेकिन बेस ईयर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब उसमें कोई वॉर नहीं हुई हो, कोई एपिडेमिक नहीं आई हो, कोई नेचुरल क्लाइमेटी नहीं हो। जैसे 2020 हिंदुस्तान के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए क्या था? बहुत खराब ईयर था। क्यों? कोरोना आया था। क्या कोई भी कंट्री उस ईयर को बेस ईयर मान के रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करना चाहेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? उस समय इकोनॉमी हर कंट्री की खराब हो गई थी, वो उस ईयर को कभी बेस ईयर मान ही नहीं पाएंगे। तो बेस ईयर कैसा होना चाहिए? बेस ईयर शुड बी नॉर्मल। बेस ईयर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। कोई नेचुरल क्लाइमेटी ना हो, कोई रिसेशन ना हो, कोई वॉर नहीं हुई हो, कोई एपिडेमिक नहीं आई हो, इस तरीके की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तीसरा इशू, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। सिलेक्शन ऑफ वेट्स का मतलब, वेट्स का मतलब यहां इंपॉर्टेंस से है बेटा। तो जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसे आपको उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसे आपको उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा? जो आप रिलेटिव चेंजेस डिफाइन कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आपने सबको उसकी रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस दी नहीं, आपने सबको इक्वल इंपॉर्टेंट मान लिया, जबकि वो गलत है। किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसी की इंपॉर्टेंस कम है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो ऑन बिहाफ ऑफ द कंजप्शन दी जाती है। भाई जो चीज जितनी ज्यादा कंज्यूम करते हैं उसकी वेटेज उतनी ही ज्यादा होती है। तो जब भी कभी आप इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने जाएं, आप ये याद रखिएगा जिसकी जितनी वेटेज है उसे उतनी वेटेज आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपके रिलेटिव चेंजेस निकल कर आए हैं वो गलत होंगे। बात समझ में आ गई। तो तीन अभी तक इशू हो गए। पहला इशू, सिलेक्शन ऑफ डेटा। कौन सा डेटा सेलेक्ट करना चाहिए? वो डेटा हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए जो कि इंडेक्स नंबर के पर्पस से डायरेक्टली रिलेट कर रहा हो। दूसरा इशू, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। भाई बेस ईयर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। कोई भी वॉर नहीं होनी चाहिए, कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी नहीं होनी चाहिए, कोई रिसेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ वेट्स। तो जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसे उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। चौथा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर पेपर में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस। जनरली अगर हम कहें ऑन एन एवरेज रिलेटिव चेंजेस बताओ, ऑन एन एवरेज रिलेटिव चेंजेस बताओ, अब एवरेज का सेंस आप क्या निकालोगे? सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। गलत है। याद करिए सेंट्रल वैल्यू, एक बार ध्यान से देख लीजिए सेंट्रल वैल्यू की वीडियो को, याद करिए। अगर आपको एवरेज परसेंटेज निकालना हो, अगर आपको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, अगर आपको एवरेज रेशो निकालना हो, तो बेस्ट सेंट्रल वैल्यू कौन सी होती है? ज्योमेट्रिक मीन। कौन सी होती है? ज्योमेट्रिक मीन। तो जनरली इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में ऑन एन एवरेज इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं। माने जनरली तो हम यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन, लेकिन बेस्ट कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक मीन। और यह क्वेश्चन आपको पेपर में 101% मिलेगा। इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में जनरली हम किसका यूज करते हैं? अर्थमेटिक मीन का। लेकिन बेस्ट जो कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडेक्स नंबर को निकालने के तरीकों के बारे में। इंडेक्स नंबर को निकालने के बेसिकली बेटा जी दो तरीके होते हैं। पहला होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है वेटेड मेथड। सिंपल मेथड का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, माने जहां पे किसी टाइप की कोई वेटेज नहीं है, सबकी वेटेज क्या है? इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल कहलाएगा। और जहां सभी कॉमोडिटीज की वेटेज अलग अलग हो जाएगी, उस कंडीशन में हम वेटेड मेथड का यूज करेंगे। अच्छा, वेटेज जो दी जाती है दोस्तों वो ऑन बिहाफ ऑफ कंजप्शन दी जाती है। अभी हमने सिलेक्शन ऑफ वेट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था जिसकी जितनी वेटेज उसे उतनी वेटेज देनी पड़ेगी।
अदरवाइज जो रिलेटिव चेंजेस निकल के आएंगे दोस्तों वो गलत निकल के आएंगे। तो इंडेक्स नंबर को निकालने के बेसिकली दो तरीके, एक तो सिंपल मेथड और एक वेटेड मेथड। सिंपल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। बिल्कुल सेम वे में वेटेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। माने अगर आप सिंपल की जगह वर्ड लगा देंगे वेटेड, तो आपका हो जाएगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। माने एग्रीगेटिव मेथड एंड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव सेम बात है दोनों के लिए। बात समझ में आ गई। एक एक करके इन चारों को पढ़ेंगे तो हमें इंडेक्स नंबर को निकालने के तरीकों के बारे में समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात करते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जैसे इसका नाम वैसे ही इसका काम, सिंपल एग्रीगेटिव माने आपको क्या करना है, सिंपली एग्रीगेट करना है, माने टोटल को, माने जो जितनी भी कॉमोडिटीज दे रखी है उनका क्या कर लेना है, टोटल करना है, एग्रीगेट कर देना है, उन्हें कंबाइन कर देना है, ग्रुप्ड कर देना है। मतलब हम क्या करते हैं यहां पे, सिंपली एग्रीगेट प्राइस को निकालेंगे और उसके बिहाफ पे हम प्राइस इंडेक्स नंबर माने रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कॉमोडिटी है कौन सी नहीं, हम जितनी भी कॉमोडिटीज होंगी उनका एक एग्रीगेट प्राइस निकाल लेंगे और उसके बाद सिंपल तरीके से माने P01 क्या होगा, P1/P0×100। यहां पे P1 का मतलब एग्रीगेट प्राइस ऑफ द बेस ईयर, यहां P1 का मतलब एग्रीगेट प्राइस ऑफ द करंट ईयर, एग्रीगेट माने टोटल प्राइस की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो आइए सीधे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, ये दो टेबल इसलिए तैयार कर रखी है ताकि इसका ड्रॉबैक मैं आपको समझा सकूं। आप सिर्फ अभी इस टेबल पे फोकस करिएगा। मान लीजिए ये एक टेबल दे रखी है और आपसे कहा है फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो जरा देखिए यहां पे तीन टाइप की कॉमोडिटीज आपके सामने है, एक तो चीज पर 100 ग्राम, दूसरा है पोटैटो पर किलोग्राम और तीसरा है आपके पास एग पर पीस के रेस्पेक्ट में। ये आपको प्राइस रखी है 1994 की, 1995 की, 1996 की और 1997 की। आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का यूज करके प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एग्रीगेट प्राइस निकालेंगे। एग्रीगेट प्राइस कितना कितना जाएगा, माने इनका टोटल 5, 3, 8 और 1 9 रुपए, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 रुपए, 4 2 6 और 1 7, 8 रुपए 10 पैसे 9 रुपए, ठीक है ना। अच्छा 5 4 9 2 11 और 1 12 रुपए, बस ये निकल आया, बस और कुछ नहीं करना। एग्रीगेट प्राइस निकालने का मतलब हमने क्या करा, सभी कॉमोडिटी के प्राइस को टोटल कर दिया। अब हमारा इस पूरी टेबल से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। अब आपसे इसने पूछा नहीं कि किस ईयर को बेस ईयर मानना है, तो भाई जो फर्स्ट ईयर होगा वो बेस ईयर होगा। इसमें फर्स्ट ईयर कौन सा है, 1994, तो हम क्या करेंगे 1994 के प्राइस को इसको P0 मान लेंगे और ये सब हमारे लिए क्या करेंगे, P1 का काम करेंगे। भाई ये हमारे लिए किसका काम करेगा, P0 का। या तो वो बताता कि किस ईयर को बेस ईयर मानना है, अगर उसने कुछ नहीं बताया तो जो फर्स्ट ईयर होगा डेटा का वो हमारे लिए बेस ईयर का काम करेगा। तो अब ये हमारे लिए P0, बाकी सब P1। तो सीधे सीधे प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा, PI क्या होगा, ये होगा PI 9/9×100 माने 100। अगले वाले में होगा 10/9×100, अगले वाले में होगा 9/9×100 और अगले वाले में होगा 12/9×100। मतलब सीधे सीधे हमने सिंपल तरीके से प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर दिया। आप देख रहे हैं कोई भी इसमें टफनेस नहीं है। हमने क्या करा, एग्रीगेट प्राइस निकाला। अब हमारा पूरी टेबल से मतलब खत्म हो गया, हमारा इन प्राइस से मतलब है और इसके बिहाफ पे हमने क्या निकाल लिया, प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया दोस्तों। अब इस मेथड में एक ड्रॉबैक है, क्या, ये मेथड जो होता है वो कॉमोडिटी की यूनिट पे डिपेंड करता है। मतलब ये है, अगर मैं इसे चीज पर 100 ग्राम की जगह पर किलोग्राम कर दूं तो यहां 5 रुपए की जगह कितना आएगा, 50 रुपए आएगा।
₹5 20 पैसे की जगह आएगा ₹52। भाई ये पर 100 ग्राम था, अब पर किलोग्राम की प्राइस सही तो इंटू 10 कर दूंगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा ₹49, ये कितना हो जाएगा ₹55। अब अगर मैं आपसे सिंपल प्राइस, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का यूज करके प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने को कहूं, तो आप सबसे पहले यहां क्या निकालेंगे, एग्रीगेट प्राइस क्या होगा, इनका टोटल करिए 50 3 53 1 54, 52 3 55, 56 56 रुपए 80 पैसे, 51 52 53 रुपए 10 पैसे, 55 4 59 2 61 रुपए 50 पैसे। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां जो आप पीआई निकालेंगे, क्या वो पीआई और ये वाले पीआई प्राइस इंडेक्स नंबर, ये दोनों सेम आएंगे? नहीं आएंगे। पहला वाला तो सेम आएगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए किसका काम करेगा, P0 का काम करेगा, बाकी सब P1 का काम करेंगे। माने 54 अपॉन 54 इंटू 100 करेंगे तो ये तो 100 आएगा, क्योंकि बेस ईयर है, इसके लिए भी बेस ईयर है, दोनों का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। यहां पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 56.8 अपॉन 54 इंटू 100। मतलब आप देखिए, इन दोनों का प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों? सिर्फ एक छोटी सी यूनिट को बदला। अगर मैं यहां जैसे पोटैटो पर किलोग्राम है, मैं पर इसे क्विंटल कर दूं, तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, टोटल फिर चेंज हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा तो प्राइस इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये मेथड जो है वो कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आप कॉमोडिटीज की यूनिट को चेंज करेंगे तो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा। दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो जरा देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है, इन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड वी सी दैट इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी देन एग्रीगेट प्राइस विल चेंज, सो प्राइस इंडेक्स नंबर विल ऑल्सो चेंज। दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। इसलिए स्टैटिशियन इस मेथड को यूज करने से बचता है, क्योंकि ये मेथड कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड करता है। इस कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंडेंसी हटाने के लिए हमने एक दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस किया, जिसे नाम दिया गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की। बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है वर्ड, ये सिंपल एवरेज। मतलब सिंपल एवरेज का मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन। भाई अगर वेटेड एवरेज होता, माने वेट्स को इंपॉर्टेंस देते, सिंपल एवरेज है माने अर्थमेटिक मीन। सिंपल एवरेज है, चाहे तो हम यहां पे लिख सकते थे सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि देखिए एवरेज इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन का। लेकिन बेस्ट कौन सा होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो हम एक अभी अर्थमेटिक मीन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव माने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव को आप कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। माने अब क्या करिए, इन कॉमोडिटीज का अपना अपना प्राइस रिलेटिव निकाल लीजिए। माने इसका प्राइस इंडेक्स नंबर अलग, इसका प्राइस इंडेक्स नंबर अलग, और इसका प्राइस इंडेक्स नंबर अलग। तीनों कॉमोडिटीज का अलग अलग प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लीजिए। जैसे इस कॉमोडिटी की बात करूं, तो इसमें कौन सा ईयर बेस ईयर का काम करेगा, भाई कुछ नहीं गिवन है तो 1994 को मानेंगे। मतलब हमारे लिए ये हो गया P0, बाकी सब हो गए P1। तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर क्या आएगा सर, इसका प्राइस इंडेक्स नंबर आएगा 5 अपॉन 5 इंटू 100%, पहले वाले का, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरे वाले का 5.2 अपॉन 5 इंटू 100, तीसरे वाले का 4.9 अपॉन 5 इंटू 100, चौथे वाले का 5.5 अपॉन 5 इंटू 100। सही है ना, ये निकल आएगा, ये निकल आया जैसे 100, ये आया 104, ये आया कितना आपका 104, हाँ ये 104, ये आ गया 98, 5 9 जा 4 बचा, हाँ 98, ये आ गया 110। प्राइस इंडेक्स नंबर निकल आया तीनों का, अच्छा चारों का। अब हम पोटैटो की बात करेंगे, तो हमारे लिए अब ये P0 का काम करेगा, बाकी सब P1 का काम करेंगे। माने इनके प्राइस इंडेक्स पर नंबर भी निकल आएंगे। पहले वाला कितना आएगा, 3 अपॉन 3 इंटू 100, माने ये आएगा 100।
अगले वाले में आएगा 3.5/3×100, अगले वाले में आएगा 2.5/3×100, अगले वाले में आएगा 4/3×100। बात समझ में आ गई ना, ये हमने चारों प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लिए। ऐसे ही एग का भी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1/1×100, अगले वाले का हो जाएगा 1.30/1×100, अगले वाले का हो जाएगा 1.60/1×100, अगले वाले का हो जाएगा 2.50/1×100। बात समझ में आ गई। अब ये आपके क्या निकला है, प्राइस रिलेटिव निकला है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनका सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना चाहे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहे ज्योमेट्रिक मीन, माने इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3। अगर अर्थमेटिक मीन की बात कहेगा, ज्योमेट्रिक मीन कहेगा तो इन तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही अर्थमेटिक मीन इनका चाहिए तो इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो इन तीनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/3। माने क्या निकल आएगा, इसका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव माने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे हमने यूनिट की डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। आप कहेंगे सर कैसे, जरा ध्यान दीजिए, इसे मैं पर 100 ग्राम की जगह पर किलोग्राम कर दूं अगर, तो यहां हो जाएगा 50, यहां हो जाएगा 52, यहां आ जाएगा 49, यहां आ जाएगा 55। अब आप जरा चेक करके देखिए, इसके प्राइस इंडेक्स नंबर हमेशा 100, 104, 98 और 110 रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहां अगर 50 हो गए तो यहां पे भी 50/50×100, अगले वाले में 52/15×100, अगले वाले में 49/15×100, अगले वाले में 55/15×100। माने इसके ये इंडेक्स नंबर कभी भी चेंज नहीं होंगे, माने ये मेथड कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल एग्रीगेट मेथड कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड करता है, लेकिन सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंडेंसी नहीं होती। तो इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि हम सभी कॉमोडिटीज को इक्वल वेटेज देते हैं, हम सभी कॉमोडिटीज को क्या करते हैं, इक्वल वेटेज दे देते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। इसी वजह से एक दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस कराया गया जिसे नाम दिया गया वेटेड मेथड। जरा ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है, इन दिस मेथड फर्स्ट वी विल फाइंड द रिलेटिव चेंजेस इन ईच कॉमोडिटी, हमने हर कॉमोडिटी के रिलेटिव चेंजेस फाइंड करे, एंड देन वी विल फाइंड द सिंपल एवरेज से अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, हालांकि ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो हमेशा बेस्ट रिजल्ट देगा, ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो हमेशा क्या देगा, बेस्ट रिजल्ट देगा ऑफ द रिलेटिव चेंजेस। क्लियर हो गई बात सर, समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या रहा है ड्रॉबैक, इन दिस मेथड वी कंक्लूड दैट वी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच कॉमोडिटी, ये इसका ड्रॉबैक है। जैसे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का ड्रॉबैक ये था कि हम वहां क्या कर रहे थे, वहां पे जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था वो कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो है वो इसमें ड्रॉबैक क्या है कि यह हर कॉमोडिटी को इक्वल वेटेज दे रहा है, विच इज नॉट सुटेबल टू डिफाइन द रिलेटिव चेंजेस। इसी वजह से एक दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस कराया गया जिसे नाम दिया गया वेटेड मेथड। वेटेड मेथड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें अलग अलग मैथमेटिशियन आए, स्टैटिशियन आए और सबने अपने अपने व्यूज रखे। सबसे पहली बात, अगर ये वेटेड मेथड की बात करें तो वेटेज किस बिहाफ पे दी जाएगी, वेटेज दी जाएगी ऑन बिहाफ ऑफ द कंजप्शन ऑफ द कॉमोडिटी। मतलब इस कंडीशन में जब भी कभी आप वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में जाएंगे तो आपके पास एक तो होगा पी जीरो, एक होगा क्यू जीरो, एक होगा P1 और एक होगा Q1। P0 का मतलब प्राइस ऑफ द बेस ईयर, Q0 का मतलब क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस ईयर, P1 का मतलब प्राइस ऑफ द करंट ईयर, Q1 का मतलब क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस ईयर। माने इस Q0 और Q1 के बिहाव पे हम क्या देंगे, वेटेज देंगे, क्या देंगे, वेटेज देंगे। बात समझ में आ गई। तो इसमें अलग अलग मैथमेटिशियन आए और सबने अपने अपने व्यूज रखे। सबसे पहले आए लेस्प्रे, लेस्प्रे ने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ Q0 को बेस मान के
क्या कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लिया, मतलब इन्होंने कहा कि मैं तो जो वेटेज दूंगा वो ऑन बिहाफ ऑफ द क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस ईयर के बिहाफ पे दूंगा। मतलब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो P01 क्या होगा भाई, P1 अपॉन P0 तो होता ही होता है, और बोथ साइड इन्होंने क्या करा Q0 को मल्टीप्लाई कर दी और यहां लगा दिया सबमिशन। अब ये मत करिएगा सबमिशन काट देना, ये सम ऑफ P1 इंटू Q0 है, ये सम ऑफ P0 इंटू Q0 है। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया लेस प्रेज मेथड। अब पाश्चे बोले साहब मैं भी पीछे नहीं हूं, लेस प्रेज ने ली बेस ईयर की क्वांटिटी, तो पाश्चे ने ली करंट ईयर की क्वांटिटी, माने इन्होंने जो मेथड बताया वो ऑन बिहाफ ऑफ Q1 बताया, बेस्ड ऑन Q1। ये किस पे बेस्ड है, क्वांटिटी कंज्यूम इन करंट ईयर पे बेस्ड है। तो इस कंडीशन में P01 क्या होगा, बिल्कुल सेम वे में सबमिशन P1 P0। अब इन्होंने किस ईयर की क्वांटिटी को बेस माना, करंट ईयर की क्वांटिटी, तो Q1 और Q1 इनटू 100%, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया सर आपका पाश्चे का फॉर्मूला। मार्शल आए, मार्शल बोले सर पाश्चे ने और लेस्प्रे ने ली करंट ईयर के, वो बेस ईयर की क्वांटिटी, पाश्चे ने ली करंट ईयर की क्वांटिटी, मार्शल ने क्या करा दोनों ईयर की क्वांटिटी ले ली, माने इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P01 सबमिशन P1 P0 Q1 प्लस Q0 और Q1 प्लस Q0 इंटू 100%। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही आए कैली, कैली बोले साहब ऐसा है लेस्प्रे ने तो ली बेस ईयर की क्वांटिटी, पाश्चे ने ली करंट ईयर की क्वांटिटी, मार्शल ने क्या करा दोनों ईयर की क्वांटिटी का सम ले लिया। तो कैली बोले अगर लेना ही था तो दोनों ईयर की क्वांटिटी का अर्थमेटिक मीन माने एवरेज लेते। तो इन्होंने अपना फॉर्मूला बना दिया क्या, P01 इक्वल्स टू सबमिशन P1 P0 Q1 प्लस Q0 अपॉन 2 और Q1 प्लस Q0 अपॉन 2 इंटू 100%। माने इन्होंने क्या करा, इन्होंने अर्थमेटिक मीन ऑफ Q1 एंड Q0 लिया, इन्होंने अर्थमेटिक मीन ऑफ Q1 एंड Q0 लिया। बिल्कुल वॉल्श आए, इसके बाद वॉल्श आए, वॉल्श बोले साहब अभी समझाया था कि जनरली इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में किस एवरेज का यूज किया जाता है, किसका, अर्थमेटिक मीन का, लेकिन बेस्ट रिजल्ट कौन देगा, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q1 एंड Q0 ले लिया, माने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q1 एंड Q0। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, इनका फॉर्मूला हो जाएगा P01 इक्वल्स टू सबमिशन P1 P0 और Q1 और Q0 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ Q1 Q0 और अंडर रूट ऑफ Q1 Q0 इनटू 100%। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद आए डॉर्बिश एंड बाउले, डॉर्बिश बोले लेस्प्रे ठीक है पाश्चे, बाउले बोले पाश्चे ठीक है, दोनों में हो गई लड़ाई, हाथापाई, बहुत ज्यादा खून खराब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, दोनों अगल बगल बेड में लेटे हुए थे, फिर दोनों ने सुलह कर ली। इन्होंने कहा एक काम करते हैं, लेस्प्रे और पाश्चे का अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, लेस्प्रे और पाश्चे का क्या ले लेते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिया अर्थमेटिक मीन ऑफ L&P, L का मतलब लेस्प्रे से, P का मतलब पाश्चे से, तो P01 इक्वल्स टू, अब L और P का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, L प्लस P अपॉन 2, तो अपॉन 2 तो लिख लिया हमने यहां पे, अब हमें लिखना है लेस्प्रे का फॉर्मूला। तो सबमिशन P1 P0, लेस्प्रे के लिए क्या हो जाएगा Q0 प्लस, अब पाश्चे का सबमिशन P1 P0, अब पाश्चे ने कौन सी ईयर की क्वांटिटी ली थी, करंट ईयर की, Q1। ये आपका बन गया डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला। अब फिशर आए, फिशर बोले साहब
गधे को कितना ही पेंट कर लो घोड़ा नहीं बन सकता। बोले मतलब ये है कि पहले समझाया था कि जनरली इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में जनरली हम किस एवरेज का यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन का, लेकिन बेस्ट रिजल्ट कौन देगा, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन देगा। तो डॉर्बेश और बाउले ने लेस्प्रे और पास्चे का अर्थमेटिक मीन लिया, लेकिन फिशर ने समझदारी दिखाई और इन्होंने लेस्प्रे और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, माने इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एल एंड पी, माने अंडर रूट एल पी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P01 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब लेस्प्रे का फॉर्मूला, समीशन समीशन P1 P0 Q0 Q0, ये हो गया लेस्प्रे, इनटू पास्चे समीशन समीशन P1 P0 Q1 Q1 इनटू 100%, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए। लेस्प्रे ने ली थी बेस ईयर की क्वांटिटी, पास्चे ने ली करंट ईयर की क्वांटिटी, मार्शल एजवर्थ ने दोनों ईयर की क्वांटिटी का सम, कैली ने अर्थमेटिक मीन ऑफ Q1 एंड Q0, वॉल्श ने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q1 एंड Q0, डॉर्बिश एंड बाउले ने अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे, और फिशर ने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा अब अगर मैं इसी में आपसे पूछूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसी में आपसे पूछूं लेस्प्रे के लिए P10 बताइए तो क्या करेंगे। इसी में जहां वन है वहां जीरो, जहां जीरो है वहां वन, अपने आप ही फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें मैं आपसे पूछूं P10 बताइए पास्चे में, तो जहां वन है वहां जीरो, जहां जीरो है वहां वन, ठीक है ना। माने इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, समीशन समीशन P0 Q0 P1 Q0 इनटू 100%। नहीं आई बात समझ में, ये हो गया P10, ऐसे ही सबके निकल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा बिल्कुल सेम वे में अगर लेस्प्रे के लिए मैं Q01 पूछू तो क्या करेंगे, जहां P है वहां Q और जहां Q है वहां P, तो इसके लिए फिर दोबारा निकल आएंगे। ये क्या कहलाएगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जहां पी है वहां क्यू लगा देंगे, जहां क्यू है वहां पे पी लगा देंगे। तो इन सब के फॉर्मूले फिर दोबारा क्रिएट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात दोस्तों। तो इसमें से आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया P0 Q0 P1 Q1 3 4 5 8 6 2 7 9, मान लीजिए ये दे रखा है। अब आपसे कहा गया by using Lesprey's method find price index number। अब Lesprey method में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो P1 Q0, तो हम यहां निकालेंगे P1 Q0, माने P1 की मल्टीप्लाई Q0 से कर लेंगे, 30 और 16, 46 आ गया। माने इसकी वैल्यू सम्मीशन P1 Q0 की वैल्यू कितनी हो गई, सम्मीशन P1 Q0 कितना हो गया, 46। अच्छा और क्या चाहिए, P0 Q0 चाहिए, तो यहां हम निकाल लेंगे P0 Q0, माने इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई 15 और 32, माने सम्मीशन P0 Q0 कितना आ जाएगा, 47। आप कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू लगा दीजिए, माने 46 अपॉन 47 इनटू 100, ये लेस्प्रे इंडेक्स नंबर निकल आया। अगर आप पास्चे इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हैं तो आपको सबमिशन P1 Q1 चाहिए होगा और सबमिशन P0 Q0 चाहिए होगा। बात समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आ गया। अब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में क्या दिक्कत है, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। यह हमेशा क्वेश्चन बताएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो इसलिए इसके लिए एक नया मेथड इंट्रोड्यूस कराया गया जिसे नाम दिया गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में हमेशा याद रखिएगा आपको P0 P1 और W का मतलब वेट्स गिवन होंगे, क्वांटिटी कंजप्शन खत्म हो जाएगा, माने ना Q0 गिवन होगा ना Q1 गिवन होगा, हमेशा वेट्स गिवन होंगे। और इस कंडीशन में हमेशा प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा, सबमिशन WP अपॉन सबमिशन W, माने देखा जाए दैट इज द वेटेड अर्थमेटिक मीन।
दैट इज द वेटेड अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पे पी का मतलब पी वन अपॉन पी जीरो इन 200 है। माने जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में अगर आपको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालना है, देखिए आपको यहाँ W गिवन है, तो 100% इसके अंदर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ही लगेगा, ठीक है ना। माने ये इसकी क्या हो गई, रेस्पेक्टिव वेटेज हो गई, क्लियर हो गई बात। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे P निकालेंगे, विच इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इन 200, माने क्या हो जाएगा 6/2 300, 10/5 200, 4/3 माने 133.33, ठीक है ना। ये हमारा P निकल आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, W की P से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां निकालेंगे WP, क्या निकालेंगे WP, ये हो गया 600, ये हो गया 1000 और ये हो गया 400, ठीक है ना, ये हो गया 400। अब हम क्या निकालेंगे, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा, सबमिशन WP अपॉन सबमिशन W, सबमिशन WP कितना आएगा, 600, 400, 1000, 2000 डिवाइडेड बाय सबमिशन W कितना होगा, 2, 5, 7 और 3, 10 इनटू 100, तो हम कर चुके हैं, तो ये जीरो से जीरो कट गया, वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर कितना आ गया 200%। बात समझ में आ गई, तो ये आपका हो गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, चारों मेथड क्लियर हो गए दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी की, माने जितने भी मेथड हमने पढ़े उसमें कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, इसके लिए कुछ टेस्ट बनाए गए, जो जितने ज्यादा टेस्ट को फॉलो करेगा वो उतना ही अच्छा मेथड होगा और उतने ही अच्छे रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करेगा। तो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी में पहला टेस्ट है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट ये कहता है कि सर जो मेथड, जैसे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड में तो बहुत सारे मैथमेटिशियन आ गए, लेस्प्रे आया, पास्चे आया, डॉर्बिश आया, डॉर्बिशन बाउले आया, फिशर आया, मार्शल एजवर्थ आया, कैली आया, वॉल्श आया, और लास्ट में हमने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव भी पढ़ा। इन सभी में यूनिट टेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये कहता है जो मेथड कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड करेगा वो मेथड यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। भाई एक बात सोचिए ना, कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंडेंसी हुई तो जैसे ही मैं यूनिट बदलूंगा प्राइस चेंज हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। बात समझने वाली है, इसका मतलब कभी भी हम जिस मेथड का यूज करेंगे ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि उसमें यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, माने वो मेथड कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड ना करे। मतलब हम ये सीधे तौर पे कहें कि वो मेथड जो कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड नहीं करता होगा वो मेथड यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। अब जरा मुझे सोच के बताइए कौन सा मेथड ऐसा है जो कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड करता है। सो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कभी भी यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि वो कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंडेंसी रखता है। उसको छोड़कर बाकी जितने भी मेथड है उन सभी में कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए लिखा हुआ है द मेथड विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑन द यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट। लिखा हुआ है एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिर्फ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को छोड़कर बाकी जितने भी मेथड है वो सब के सब यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए दूसरे मेथड की बात करते हैं, दूसरा टेस्ट की बात करते हैं जो कि है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट कहता है अकॉर्डिंग टू टीआरटी कि P01 × P10 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। P01 का मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर, एंड P10 का मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। इनका प्रोडक्ट अगर 1 आ गया तो वो मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। या ये कहें भाई एक अपॉन में चला जाएगा तो P01 = 1/P10, माने अगर इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर देन दोज मेथड सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। बात समझ में आ गई, भाई टाइम का रिवर्स करना है, माने
अगर आप बेस को करंट को बेस के बिहाफ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर आप इसका उल्टा करेंगे, बेस को करंट के बिहाफ पे डिफाइन करेंगे, तो आपका इंडेक्स नंबर भी क्या होना जाना चाहिए, रेसिप्रोकेट हो जाना चाहिए। ये कहने का मतलब है इसका। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जो इसे सेटिस्फाई करते हैं? सिंपल पीआई, जरा ध्यान से देखिएगा, P01 इंटू P10 बराबर कितना है 1। सिंपल पीआई माने P1 अपॉन P0, ठीक है ना। ये P01 हो गया इंटू P10 माने जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1, P0 अपॉन P1 कैंसिल होके कितना आया 1। सेटिस्फाई करेगा? यस करेगा। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड ये भी सेटिस्फाई करेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है एग्रीगेट प्राइस निकालने का। जैसे ही एग्रीगेट प्राइस निकल जाता है, वैसे हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब देखा जाए ये ऊपर वाले को ही फॉलो करेगा, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरा, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव सेटिस्फाई करेगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, नो। चौथा, लेस्प्रे मेथड। लेस्प्रे मेथड क्या टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। आइए चेक करते हैं, P01 का मतलब क्या हो गया, सबमिशन सबमिशन P1 P0। लेस्प्रे के लिए बात कर रहा हूं, तो इन्होंने कौन से ईयर की क्वांटिटी को बेस माना था, बेस ईयर की क्वांटिटी को, Q0 इंटू इंटू 100 नहीं लगाते इसके अंदर। अब हमें निकालना है P10, तो लेस्प्रे में जहां 1 है वहां 0 और जहां 0 है वहां 1, तो ये हो जाएगा सबमिशन सबमिशन P0 P1 Q1 Q1। क्या ये कुछ कट पा रहा है? सर ये तो कुछ नहीं कट रहा, तो इक्वल्स टू 1 नहीं आ रहा, माने लेस्प्रे मेथड डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। पाश्चे मेथड भी इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ मार्शल एजवर्थ, चेक कर लेते हैं भाई, P01 इंटू P10 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो सबमिशन सबमिशन P1 P0, इन्होंने क्या किया था, दोनों ईयर की क्वांटिटी का सम, Q1 प्लस Q0 और Q1 प्लस Q0 क्लोज, ये तो आ गया आपका P01। अब P10 निकालना, तो जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1, माने सबमिशन सबमिशन P0 P1 Q0 प्लस Q1 और Q0 प्लस Q1। अब जरा चेक करिए क्या ये कट रहे हैं, चेक करिए क्या ये कट रहे हैं, सर ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, और क्या ये दोनों भी कट रहे हैं, यस ये दोनों भी कट रहे हैं, कट के क्या आया 1। सेटिस्फाई करेगा? यस करेगा। कैली कैली भी सेटिस्फाई करेगा, चेक करके देख लीजिए। वॉल्श वॉल्श भी सेटिस्फाई करेगा। डॉर्बिश एंड वॉले ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिशर यस करेगा। फिशर का चेक करें, आइए देखते हैं क्या होगा। सबमिशन भाई, फिशर्स मेथड क्या होता है, दैट इज द अंडर रूट ऑफ एल इन टू पी। तो सबसे पहले हमने अंडर रूट लगा लिया बड़ा सा, क्योंकि एक बार हमें P01 चाहिए होगा, एक बार हमें P10 चाहिए होगा। सबसे पहले हम P01 की बात कर रहे हैं, तो लेस्प्रे मेथड सबमिशन सबमिशन P1 Q0 P0 Q0 ये लेस्प्रे हो गया। अब पाश्चे की बारी, सबमिशन सबमिशन P1 P0 Q1 Q1 ये आपका निकल आया P01 लेस्प्रे इंटू पाश्चे। अब हमें निकालना है P10, तो जहां 1 है इसी में, जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1, जरा देखते हुए चलिएगा। सबमिशन सबमिशन P0 Q1 और P1 Q1 इंटू, इसको देखिएगा, सबमिशन सबमिशन P0 Q0 और P1 Q0। अब जरा चेक करिए, कट के 1 आ रहा है क्या, सर सबमिशन P1 Q1 से सबमिशन P1 Q1 कट गया, सबमिशन P0 Q0 से सबमिशन P0 Q0 कट गया। अच्छा, और सर P1 Q0 से P1 Q0 ये कैंसिल हो गया, और P0 Q1 से
पी जीरो क्यू वन कैंसिल हो गया, क्या बचा वन, अंडर रूट ऑफ वन कितना आएगा वन, माने फिशर्स मेथड इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई, तो इसमें कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की। कुल मिला के चार टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी है। पहला था यूनिट टेस्ट, माने वो मेथड जो कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड करेगा वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, या ये कहें वो मेथड जो कॉमोडिटीज की यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होना चाहिए वैल्यू, माने P01 into Q01 बराबर क्या होना चाहिए V01। V01 का मतलब आप समझ गए होंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर, दैट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V0। V1 का मतलब हो गया सबमिशन P1Q1 अपॉन सबमिशन P0Q0, माने जिनका प्रोडक्ट प्राइस P01 into Q01 माने प्राइस इंडेक्स नंबर into क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बराबर वैल्यू इंडेक्स नंबर आ गया, वो मेथड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। और दुनिया में कोई भी मेथड सिर्फ एक को छोड़कर, दुनिया में कोई भी मेथड सिर्फ एक को छोड़कर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कौन करता है सर, वो एक कौन है सर, वो फिशर है। कौन है सर, वो फिशर है। लिखा है ओनली एंड ओनली फिशर्स मेथड सेटिस्फाई FRT। FRT माने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। द मेथड विच सेटिस्फाई TRT एंड FRT बोथ, ये कहते हैं जो मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता होगा उसे हम आइडियल इंडेक्स नंबर कहेंगे। इसी वजह से फिशर को फिशर्स मेथड ना बोल के फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं चौथे टेस्ट की। चार टेस्ट हो गए, पहला हो गया यूनिट टेस्ट, दूसरा हो गया टाइम रिवर्सल टेस्ट, तीसरा हो गया फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और चौथा है आपका सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट के लिए मैंने एक सर्कल बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, और यहां पे हमने तीन पीरियड लिए, पहला बेस पीरियड, फिर करंट पीरियड, और एक एक्स्ट्रा पीरियड कौन सा, फ्यूचर पीरियड। अब हम जरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करें, ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो क्या होगा, P01 ये लिखा है, फिर P12 ये लिखा है, फिर P20 ये लिखा है, इक्वल्स टू क्या आ गया वन। माने इसे पढ़ेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू द बेस पीरियड, इसे पढ़ेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द फ्यूचर पीरियड विद रेस्पेक्ट टू द करंट पीरियड, इसे पढ़ेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस पीरियड विद रेस्पेक्ट टू द फ्यूचर पीरियड। इनका प्रोडक्ट अगर वन आएगा तो वो मेथड क्या कहते हैं सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। देखा जाए ये जो है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही एक्सटेंशन है। भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता था, P01 into P10 equals to 1 होता था, वहां पे दो ही पीरियड होते थे, एक करंट और एक बेस। तो ये देखा जाए ये टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही एक्सटेंशन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कुलर टेस्ट किस टेस्ट का एक्सटेंशन है, टाइम रिवर्सल टेस्ट का। अच्छा, क्या फिशर मेथड इसको सेटिस्फाई करता है, नहीं। और ये क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो फिशर मेथड सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, आइडियल होने के बावजूद भी फिशर मेथड सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। सर कौन कौन से मेथड इसको सेटिस्फाई करते हैं, सर एक तो करता है सिंपल PI, एक करता है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, याद करिए सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव था ना, वहां पे अर्थमेटिक मीन की जगह क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, सिंपल PI, और तीसरा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड विद फिक्स्ड वेट। फिक्स्ड वेट का मतलब यहां Q1 इक्वल्स टू Q0 से है, ठीक है ना। अगर Q1 और Q0 बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में वेटेड एग्रीगेटिव मेथड इस सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कर जाएगा। इन तीन मेथड को छोड़कर दुनिया का कोई मेथड ऐसा नहीं है जो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कर सके। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि फिशर्स मेथड किस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। यूनिट टेस्ट को करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को तो सिर्फ वही करता है, बाकी और कोई नहीं करता, और सर्कुलर टेस्ट को फिशर सेटिस्फाई नहीं करता। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ बेस ईयर या स्प्लिसिंग ऑफ बेस ईयर की। बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। मान लीजिए आपको बेस ईयर क्या करना है, शिफ्ट करना है,
क्या करना है, बेस ईयर शिफ्ट, माने जैसे ये ईयर दे रखे हैं और पीआई का मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर दे रखा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस डेटा के अंदर ये जो पीआई निकाला है इसने, इसने किस ईयर को बेस ईयर माना है, तो आप सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि सर किसका प्राइस इंडेक्स नंबर 100 है, सर 2006 का, तो इसका मतलब यहां पे बेस किसको लिया गया है, बेस एस 2006। अब मैंने कहा स्प्लिस प्राइस इंडेक्स नंबर निकालिए व्हेन बेस एस 2007, माने मैं प्राइस यहां पे बेस क्या है 2006 से 2007 पे शिफ्ट करना चाहता हूं, दैट इज नोन टू बी द शिफ्टिंग ऑफ द बेस ईयर और स्प्लिसिंग ऑफ द बेस ईयर, माने मैं जो है वो बेस जो है बेस ईयर जो है वो 2006 से 2007 पे शिफ्ट करना चाहता हूं, तो बताइए नए प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होंगे। तो बेटा जी कुछ नहीं, हम क्या करेंगे इसे P0 मान लेंगे और बाकी सब तो P1 है, तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा 146 अपॉन 146 इनटू 100, मतलब कितना आ गया 100, और आना भी चाहिए था अगर प्राइस इंडेक्स, अगर हम बेस ईयर 2007 को मान रहे हैं तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर क्या आना चाहिए था 100 आना चाहिए था, द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस पीरियड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100। बात समझ में आ गई दोस्तों, अब इस पे आ जाए तो ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, P1 का काम कर रहा है, तो क्या होगा 120 अपॉन 146 इनटू 100, ये वैल्यू निकल आएगी। अगले वाले में क्या होगा 115 अपॉन 146 इनटू 100, अगले वाले में क्या होगा 100 अपॉन 146 इनटू 100, अगले वाले में क्या होगा 182 अपॉन 146 इनटू 100। बात समझ में आ गई या नहीं, तो ये आपका क्या निकला है, स्प्लिस्ड प्राइस इंडेक्स नंबर निकला है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अच्छा अब अगर मैं मान लीजिए ईयर दे दूं आपको 2004, 2005, 2006, 2007 और यहां दे दिया प्राइस इंडेक्स नंबर 120, 140 और यहां लिख दिया स्प्लिस्ड प्राइस इंडेक्स नंबर और ये लिख दिया 100 और 120 और 130 और मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। कैसे करेंगे जरा सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हो गया 100 हो गया, ये 100 कब आया होगा, जब 140 अपॉन 140 इनटू 100 हुआ होगा तभी ये 100 आ सकता है, अदरवाइज ये 100 आ ही नहीं सकता। माने अगर मुझे इस वाली वैल्यू को पता करना है तो 120 डिवाइड बाय 140 इनटू 100 कर लूं, माने 120 डिवाइड बाय 140 इनटू 100 कर लूंगा तो मेरी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए यहां वैल्यू हमें नहीं पता, ये ए और बी, तो अब इस वाली वैल्यू में जरा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए अपॉन 140 इनटू 100 बराबर कितना होना चाहिए 120 के, तो इस ए की वैल्यू निकल आएगी क्या आएगी 140 इनटू 120 डिवाइड बाय 100, ऐसे ही बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये इसमें का क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद इसके लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज अ चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है, चेन इंडेक्स नंबर दैट इज इक्वल्स टू लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100, That is the formula to find chain index number. अब chain index number होता क्या है? Chain index number is actually price index number in which base period is fixed. Price index number का मतलब base period fix है. Chain index number is actually price index number. Chain index number is actually price index number which is calculated on behalf of link relative and in which first period is always taken as base period. बात समझ में आ गई, माने चेन इंडेक्स नंबर कायदे में क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर ही है, जिसमें डेटा का फर्स्ट पीरियड बेस पीरियड का काम कर रहा है और जो किसके बिहाफ पे कैलकुलेट हो रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द लिंक रिलेटिव। बात समझ में आ गई दोस्तों, तो यहां पे आपका ये इंडेक्स नंबर का टॉपिक भी क्लोज हो गया और आप आराम से सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं बेझिझक।
क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है ना दोस्तों? क्लियर है।